मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं एक बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। मेरे ये पीड़ा क्यों हुई, क्यों ये मैंने इशू उठाया, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं बीकानेर राजस्थान से बीकानेर है, बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं, रेगिस्तानी इलाका है। हमारे यहां कुछ असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले लोग सीवरेज सिस्टम नहीं होने के कारण शहरों में, छोटे शहरों में और गांवों में तो एक कुई खोदते हैं, मेरे राजस्थान के लोग जानते होंगे बैठे हैं, कुई खोदते हैं वो मजदूर, और हमारे साथ हैं, बहुत बढ़िया, और वो कुई खोदते खोदते कभी कभी वो कुई ढह जाती है तो वो जो एसएमटी क्षेत्र का मजदूर है उसकी डेथ हो जाती है। मेरे सामने भी एक केस आया, उन्होंने कहा कि ये सीवरेज सिस्टम में काम करता है, कुई खोद रहा था और इसकी डेथ हो गई, इसको कुछ मुआवजा दिया जाए। मैंने जिला कलेक्टर से बात की, मैंने विकास अधिकारी से बात की, तो मेरे को क्या जवाब मिला अध्यक्ष जी, मेरे को जवाब ये मिला कि ये गैर कानूनी काम कर रहे थे। सरकारी जवाब है ये गैर कानूनी काम कर रहे थे। मैंने उन मजदूरों से पूछा भाई कैसा गैर कानूनी काम था, क्या कर रहे थे आप, तो उन्होंने कहा हमें तो इस मालिक ने कहा था कि आप एक कुई खोद दो जिससे मेरे घर का जो ये कचरा है, मलमूत्र है, ये इसमें समा जाए तो 8-10 साल में भर जाएगी, फिर एक दूसरी कुई खोद देंगे। अब सीवरेज सिस्टम तो गांव में है नहीं, छोटे छोटे कस्बों में है नहीं, उसका मकान मालिक अपने घर में सफाई रखने के लिए देखता है कि एक कुई खुदवा लेते हैं, और जब वो कुई खुदवाता है और उसमें कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो असंगठित क्षेत्र का मजदूर होता है, या तो वो वाल्मीकि समाज का होता है, या वो इतना भूखा होता है कि उसको इस काम को करने के लिए मजबूर होना पड़ता है पेट पालने के लिए, और फिर उसको सरकार ये कहती है कि ये आप गैर कानूनी काम कर रहे थे। मुझे तो शर्म आती है उस जवाब पे कि कैसे उन्होंने कह दिया कि ये गैर कानूनी काम कर रहे थे और उनको कोई मुआवजा नहीं दिया। ये अभी मंत्री जी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की बात कर रहे थे, उसकी भी मैंने बात की, उनको बोला ये उन पर लागू नहीं। अभी वो लागू किस पर है, बोला ये उन पर लागू नहीं, और अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला। इसलिए मुझे पीड़ा हुई और मैंने कई बार आपसे व्यक्तिगत संपर्क करके कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं इस विषय को उठाना चाहता हूं, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस विषय को इस अगस्त हाउस में उठाने की अनुमति दी, और मेरे सब साथी भी इसमें गंभीर होकर के सुन रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट की फटकार, सुप्रीम कोर्ट की फटकार, और फिर भी सरकार क्या कह रही है कि हमने उसको सम्मति सूची की एंट्री 24 में डाल दिया है। मंत्री जी, उसको एंट्री नंबर 24 में डालने की जरूरत नहीं है, आपको एक ऐसी नीति बनानी पड़ेगी जो गटर में काम करता है उसको उपकरण उपलब्ध कराने पड़ेंगे सेफ्टी के, उसको ऑक्सीजन मास्क देनी पड़ेगी। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप ये उपकरण क्यों नहीं दे रहे हो, तो दिल्ली जल बोर्ड ने क्या कहा कि हमें उपकरण देने के लिए हमारे पास बजट नहीं है। तो फिर कौन से आदमी के लिए आपके पास बजट है? ये सरकार आम आदमी की बात करती है, आम आदमी के नाम से सत्ता में आती है और फिर आम आदमी को भी नकारने का काम करती है, ये ठीक नहीं है, है? बात राजस्थान की नहीं हो रही है, देश भर की पॉलिसी बनने की बात है, ये देश भर की पॉलिसी बनने की बात है उन लोगों की जो 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 घरों की सफाई करते हैं, जो पूरे देश में सफाई करते हैं, जो मजबूरी में करते हो ऐसा गणित कार्य लेकिन करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम नागरिकों की डिग्निटी को ध्यान में रखेंगे, उनकी बंधुता को बढ़ाएंगे, सामाजिक न्याय देंगे, फिर क्यों नहीं दिया जा रहा है अब तक उनको सामाजिक न्याय? मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं। और सुझाव दे रहा हूं बद्री जी, सुझाव दे रहा हूं। आप इधर बोलिए, किनसे बात कर रहे हैं? वो हमारे राजस्थान से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं सुझाव दो। मैं सुझाव ही दे रहा हूं, मैं सुझाव में ही आ रहा हूं। देखिए, मैंने जैसे बताया सर्वे में करीब ये 13 लाख है, हो सकता है ये संख्या ज्यादा हो। पहला तो मेरा यही सुझाव है कि सरकार एक प्रॉपर सर्वेक्षण कराए, कितना आंकड़ा है जो अभी भी हाथ से सफाई का काम करते हैं, ये आंकड़ा सही होना चाहिए। और ये बीपीएल की लिस्ट की तरह नहीं होना चाहिए कि वो लिस्ट अभी भी तय नहीं हुई है कितने बीपीएल हैं, है? ये बीपीएल की लिस्ट की तरह नहीं होना चाहिए अध्यक्ष जी,
इसमें कमेटी पे कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें आप नगर पालिकाओं से सूची ले सकते हैं, जो इस सेक्टर में काम करने वाले एनजीओ हैं उनसे सूची ले सकते हैं, चाहें तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी सूची ले सकते हैं, हम आपको सर्वे करके दे सकते हैं अगर आपके पास बजट की कमी है तो, क्योंकि इस परोपकार के कार्य के लिए हम तैयार हैं, अपनी सेवा देने के लिए हम सर्वे करके दे सकते हैं सरकार को कि कितने सफाई कर्मचारी हैं जो अभी भी हाथ से बैलट होते हैं। तो एक तो इनका सर्वेक्षण प्रॉपर हो, ये 13 लाख कह रहे हैं, कोई 20 लाख कह रहे हैं, कोई 30 लाख कह रहे हैं, कितने लोग हैं, और फिर उनकी एक पॉलिसी बने। पॉलिसी ये नहीं जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कह दिया कि उसका लाभ लो, नहीं, इनके लिए अलग से एक पॉलिसी बननी चाहिए। और अलग से कैसी पॉलिसी बननी चाहिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इन्होंने इसमें रिकमेंड किया है, काफी चीजें रिकमेंड की है सुप्रीम कोर्ट ने, हो सकता है अध्यक्ष जी को जानकारी भी है, लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो मैं बताना चाहता हूं इसमें, मैं अध्यक्ष जी मंत्री जी को जानकारी भी है होगी, लेकिन अगर बाय द वे नहीं है तो मैं इसमें बताना चाहता हूं कि मंत्री जी को ये उन्होंने कहा है कि एक तो इनको सुरक्षा कवच चाहिए। वो क्या होता है, जो सीवरेज में काम करने वाला आदमी, अभी तक हमने, फिर ये आपने तो जैसे ही मंजूर किया मैं गया भी दिल्ली में जाके भी देखा मैंने, तो मैंने एक मजदूर से पूछा भाई कैसे करते हो, उन्होंने कहा किसी भी तरह की हमें कोई यंत्र उपकरण नहीं मिलते, हम क्या करते हैं जैसे ही गटर में घुसते हैं तो शरीर पे सरसों का तेल लगा लेते हैं। मैंने कहा भाई इतना ही काम है, और बोला और क्या होता है, तो बोला कत्था बनियान पहना रहता है, शरीर पे सरसों का तेल लगा के अंदर घुस जाते हैं, जहरीली गैसें होती है अध्यक्ष जी, कई बार वो मजदूर उसमें मर जाता है उस गैसों के कारण, और मर जाता है। और एक रिपोर्ट ये भी कहती है ईसी की कि 80% सीवर कर्मचारी, 80% ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, 80% सीवर कर्मचारी रिटायरमेंट की एज से पहले मर जाते हैं। कितना गंभीर मामला है देखिए, कितना गंभीर मामला है कि उनकी रिटायरमेंट की एज 60 होती है और वो कोई 50 में मर जाता है, कोई 45 में मर जाता है, एक्सीडेंट से नहीं, एक्सीडेंट से मरने वाले अलग है, एक्सीडेंट से मरने वालों पे ही ये दिल्ली हाईकोर्ट गए थे जिसमें मना किया था, दिल्ली जल बोर्ड ने कहा नहीं हम नहीं मुआवजा नहीं दे सकते, वो संख्या तो 30 है, वो संख्या तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 30 से 60 है दिल्ली में, हो सकता है बड़े शहरों में कितनी होगी, हजारों में होगी, लेकिन मैं जो एक्सीडेंट से मर रहे उनको नहीं कह रहा हूं, मैं उनके लिए कह रहा हूं जो गैस के कारण मर जाते हैं, जो अंदर के एक ऐसा स्किन डिजीज हो गई उसके बाद घर वाले भी उनके नजदीक नहीं आते हैं, तुम्हारे तो ये बीमारी हो गई, वो वैसे मर जाते हैं, वो जो संख्या है वो कितनी है उनकी जानकारी भी करके उनके लिए अलग से योजना लाई जाए। और दूसरा, इनके जितने भी सुरक्षा कवच है, चाहे ऑक्सीजन का मास्क हो, चाहे अभी तो क्या उनके पास मैं देख के आया, एक फावड़ा पड़ा है और एक कोई पता नहीं क्या रस्सी पड़ी है और एक सरसों के तेल की शीशी पड़ी है, बस इतने भी लगा के अंदर घुस जाते हैं, और पैर में जूते भी नहीं है, सही कह रहे हैं आप, हैं पैर में जूते ही नहीं है, तो अभी तो ग्लोव्स हैं, हैंड ग्लोव्स हैं, पैर में जूते हैं, आपके ऑक्सीजन मास्क है, मास्क है, ये जितने भी सुरक्षा उपकरण हैं, ये एक हांगकांग में एक संस्था है, ही इज डूइंग ए गुड वर्क, और हांगकांग में भी ये सीवरेज सिस्टम बहुत बढ़िया हुआ है, वो उसका अध्ययन मंत्री जी क्यों नहीं कर सकते, अपनी सरकार क्यों नहीं कर सकती कि विकसित देशों में सीवरेज में मैकेनिकल सिस्टम लागू हो गया। तो मेरा दूसरा सुझाव ये है कि क्या इनको हाथ से काम करने देंगे या इनका सिस्टम मैकेनिकल करेंगे, क्योंकि जब तक इनको मैकेनिकल इक्विपमेंट उपलब्ध नहीं कराएंगे तब तक ये प्रथा समाप्त नहीं होगी। और हाँ, जो संस्था है उसको भी कंपल्सन करो कि वो मैकेनिकल से ही कराएंगे, ठेकेदार हो चाहे कोई संस्था हो, जल बोर्ड हो चाहे कोई और हो। अगला मेरा ये सुझाव है कि इसका एक बीमा कवर होना चाहिए। ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है ना, इट इज नॉट सफिशियंट मैडम। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं इनके लिए सेपरेट बीमा योजना हो। कितना घृणित काम करते हैं, फिर इनके लिए क्या एक बीमा योजना सेपरेट नहीं ला सकते आप? नहीं ला सकते क्या? क्या इसमें अमाउंट के साथ आपने इसको जोड़ दिया कि राष्ट्रीय सीमा, अच्छा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में तो क्या मैडम, एक बीपीएल होना चाहिए, ये भी है, ये मंत्री जी जवाब देंगे तो बस। कई बार ये जो काम करने वाले लोग हैं वो बीपीएल सूची में नहीं होता, वो काम तो ऐसा करते हैं लेकिन सूची नहीं सही बनती, इसलिए वो बीपीएल नहीं होते। अगर बीपीएल नहीं होते तो राष्ट्रीय बीमा योजना का उनको लाभ नहीं मिलता, तो इसलिए बीपीएल सूची में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे फैसले में टिप्पणी की, वो मैं बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
एक तो हंगर लिस्ट होनी चाहिए और एक बीपीएल लिस्ट होनी चाहिए। इस देश में भूखे कितने मर रहे उनकी लिस्ट तो बना लो आप। ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है बीपीएल लिस्ट सब सही नहीं होने के कारण। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि इनकी अलग से बीमा योजना लागू होनी चाहिए, इनके लिए अलग से एक आवास योजना लागू। अभी मैं गया तो मैंने देखा कि एक तप्पर सा लगा हुआ है, उसी में ही रह रहे, कोई मकान ही नहीं उनके। तो उनके लिए अलग से बीमा योजना, अलग से मकान, जितना भी सुरक्षा कवच है वो दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ये साधारण काम नहीं है मैडम। मैं एक शायर ने इसके बारे में लिखा है जो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, ये काम कितना महत्वपूर्ण है। ये जो चाहे वाल्मीकि समाज के लोग हों और चाहे ठेकेदारों के माध्यम से जिनको भूख लगती है, भूख मिटने का और कोई साधन नहीं है, वो जो इस काम में लग जाते हैं असंगठित क्षेत्र के लोग, उनके लिए एक शायर ने लिखा है, इन्होंने हर गम को खुशी में डाला है, इन्होंने हर गम को खुशी में डाला है, इनका तो अंदाज ही निराला है। लोग जिन हादसों से डरते हैं, लोग जिन हादसों से डरते हैं, इनको उन हादसों ने पाला है। मैं कंक्लूड कर रहा हूं मैडम, मैं कंक्लूड ही कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक पिछले बार मंत्री जी ने जवाब दिया कि हमने इनकी योजना बनाने के लिए प्लानिंग कमीशन में भेज दिया। मैडम, प्लानिंग कमीशन में भरोसा लोगों का उठ रहा है? वो 24 रुपए 32 रुपए की बातें करते हैं। आप इसको योजना बनाने के लिए प्लानिंग कमीशन में मत भेजो। यू कॉन्स्टिट्यूटेड स्मॉल कमेटी, एक छोटी कमेटी बना करके इसको और एक मैकेनिकल करने का वादा करें सरकार। तीसरा सुझाव मैं देना चाह रहा था कि JNNURM एक योजना है, तो क्या अपने इस काम को JNNURM से नहीं जोड़ सकते? है तो शहरों से संबंधित है, सीवरेज प्रणाली से संबंधित, तो अभी तक JNNURM से भी इसको जोड़ा नहीं। मेरा ही सुझाव है आपके माध्यम से सरकार को, किसी के JNNURM से जोड़ के बजट अगर कम है किसी जल बोर्ड या किसी के पास, तो बजट उपलब्ध कराए, बीमा से जोड़े, स्वास्थ्य बीमा से जोड़े, और रेलवे में भी हाथ से मैला ढोने की जो परंपरा है उसको भी समाप्त करें। मैं मानता हूं कि ये सरकार के लिए चुनौती है, लेकिन दुष्यंत कुमार जी ने ठीक कहा है, ये पीड़ हो गई है पीर, पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे सीने में नहीं, आपके सीने में सही, जहां कहीं भी हो आग, लेकिन आग लगनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा ये नहीं है कि मैं काली का टेंशन ला करके सरकार को खींचूं, मेरा ये मकसद नहीं है। मेरा मकसद यह होगा, ये मकसद भी, लेकिन मेरा दूसरा मकसद है, वो क्या है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि सीवरेज कर्मचारियों की सूरत बदलनी चाहिए, सीवरेज कर्मचारियों की सूरत बदलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर, माननीय स्पीकर, आपका नाम नहीं है इसमें बैलेट में। अच्छा, एज ए स्पेशल केस आप एक सवाल पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि पिछली बार ये ध्यानाकर्षण में मेरे नाम से आया था, लेकिन आखिरी वक्त ये सत्र समाप्त होने पर आया था, इसलिए नहीं हो पाई थी चर्चा। मैं अर्जुन मेघवाल जी ने जो बातें उठाई उससे अपने को संबद्ध करते हुए ये कहना चाहूंगा, ये बात सत्य है कि लाखों की संख्या में, देश में इनकी संख्या नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में इनकी संख्या है। और जहां तक ये सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय के अंतर्गत नहीं बल्कि शहरी विकास और JNNURM से भी इसको जोड़ना चाहिए। और जहां तक यह देखा गया कि नगर पालिका, नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जो टाउन एरिया है उससे भी ये संबंध रखते हैं ये लोग। और ये बात सत्य है कि चाहे सुखता हो, गड्ढे हो या गटर में, ये बड़ा जोखिम भरा कार्य करते हैं और समाज से बहुत उपेक्षित रहते हैं। और यहां तक कि इनको घृणा की दृष्टि से भी देखा जाता है, छुआछूत भी मानते हैं। अध्यक्ष, मैं बताना चाहूंगा, मेरे दर्द पीड़ा है इस समाज से कि इनको गांव में अगर कहीं भी बस्ती के किनारे उत्तर साइड में इनको मकान झोपड़ी बना के रहते हैं, इनको हैंडपंप पे पानी नहीं पीने दिया जाता। जब पूरा गांव पानी भर लेता है
तब वो बेचारा अंतिम छोर का व्यक्ति आके ये वाल्मीकि समाज का हरजन आदमी जाके उसमें पानी भरता है। ये स्थिति आज है, इनको पानी भी नहीं पीने दिया जाता, इनकी दुर्दशा ये है। और उसके बाद जब फिर हैंडपंप से पानी भरा जाता है तो उसको धोया जाता है, तब लोग उसको पानी पीते हैं। ये स्थिति समाज की है। माननीय नेताजी कहते हैं कि अगर ये कोई चीज छू लेते हैं तो सोना डाल के पानी डाल के उसको शुद्ध करके लोग, इतना उपेक्षित घृणित समाज ये इसको उपेक्षित करता है। इनके बच्चों की शिक्षा की, इनके स्वास्थ्य की, इनके रोजगार आवास की समस्या बहुत है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इतने जानना चाहूंगा कि इनको जो सुरक्षा कवच, ये बात सत्य है, हम में से तमाम लोग हैं कि गांव में या शहरों में जब गटर में ये जाते हैं तो इनको जो है, अर्जुन मेघवाल जी ने एक बात नहीं किया, इनको थोड़ी सी शराब भी लोग पिला देते हैं। ये भी स्थिति है। हम लोग जो जिम्मेदार हैं समाज के लोग, थोड़ी सी शराब पिला के उनको गटर में डालते हैं जहां पे वो होशो हवास नहीं रहता और उनकी मृत्यु होती है। आज विशेष तौर पे जो राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना लागू करने की बात कही गई है, इसके लिए अलग से एक कारगर सरकार नीति बनावे और विशेष बीमा योजना में के तहत इनको शामिल करके इनके जीवन स्तर को सुधारने की बात माननीय मंत्री जी करेंगे, ये मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री महोदय। बैठ जाइए आप, ये प्रश्न काल नहीं है, बैठ जाइए। नथिंग एल्स विल गो ऑन रिकॉर्ड। माननीय स्पीकर महोदया, मैं अर्जुन राम मेघवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने ध्यान आकर्षित करने का ये प्रस्ताव सदन में लाया, जिसकी आपने अनुमति दी और एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर यहां पर आज सदन में चर्चा होना संभव हो पाया। जिस भावना से, जिस पीड़ा से, जिस दर्द से माननीय सदस्य श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने सारी परिस्थितियों का वर्णन किया, मैं उनकी बातों से अपने आप को जोड़ता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज की चर्चा का असर इस तरह से हो कि सफाई कर्मचारियों की जिंदगी बेहतर होने में आज की चर्चा का लाभ निश्चित तौर पर मिल पाए। सिर पर मैला ढोने के संदर्भ में यहां पर चर्चा करी गई और ये कहा गया कि एक जानकारी इस तरह की भी है कि करीब 13 लाख लोग ऐसे हैं जो सिर पर मैला ढोने का काम करते हैं। पिछले कुछ सालों में जो राज्य सरकारों से जानकारी केंद्र सरकार ने प्राप्त करी थी, वो जानकारी के आधार पर मैं यहां पर ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो आंकड़े उपलब्ध थे उसके मुताबिक 1,16,000 के करीब, आप बात सुन लीजिए, यहां पर मैं समझता हूं कि किसी भी तरह से सरकार या विपक्ष करके ऐसे विषयों पर चर्चा ना हो तो बेहतर है, क्योंकि मैं समझता हूं कि जिस भावना से यहां पर ये स्थिति के बारे में बात चली है वो भावना से कोई अपने आप को अलग नहीं रखता, हमारी भी वही भावना है। तो जो जानकारी प्रदेश की सरकारों से हमें प्राप्त हुई वो जानकारी के अनुसार 1,16,000 के करीब ऐसे व्यक्ति थे जो सिर पर मैला ढोने का काम किया करते थे। केंद्र सरकार की एक योजना उनके पुनर्वास के लिए, उनके स्वरोजगार के लिए शुरू करी गई और राज्य सरकारों के माध्यम से जहां पर उन्होंने कुछ स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसीज नियुक्त करी, उन एजेंसीज के जरिए सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्यक्रम चलाया गया। और यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि माननीय स्पीकर महोदया, आप जब इसी मंत्रालय में मंत्री करके जिम्मेदारी संभालते थे तो जितनी जिम्मेदारी से आपने ये काम को संभाला उससे मैला ढोने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए बहुत गति प्राप्त हुई और पूरे कार्यक्रम को गंभीरता से लेने का काम हुआ। राज्य सरकारों से समय समय पर हमें जो आंकड़े आते गए वो बड़े विचित्र स्वरूप के थे, अगर मैं ये कहूं तो वो गलत नहीं होगा। हर महीने दो महीने में जो जानकारी आती थी आंकड़े कम होते थे, कहीं कोई मर गया, कहीं कोई लापता है, कहीं कोई नाबालिग है,
या कहीं पर कोई डिफॉल्टर है और इसीलिए इस श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास की आवश्यकता नहीं, ये राज्य सरकारों से बात आने लगी। हमने राज्य सरकारों को कहा, आप हमें आंकड़े मत दीजिए, आप हमें आंकड़े मत दीजिए, आप हमें पूरी प्लीज। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू, लेट अस टेक इट विद एक्सट्रीम सीरियसनेस। शांत रहिए, बैठ जाइए, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, सिट डाउन। हमने राज्य सरकारों से ये अनुरोध किया कि कृपया आप आंकड़े मत दीजिए, हमें सूची दीजिए, ये बताए कौन सा व्यक्ति मर गया, कौन सा लापता है, कौन सा नाबालिग है, कौन सा डिफॉल्टर है, और वो सूची मंत्रालय में आज प्राप्त हुई है, मंत्रालय के वेबसाइट पे है, पूरे प्रदेश के विभागों के वेबसाइट पे है। मैं समझता हूं कि उसको भी देखने की आवश्यकता होगी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद करीब 80,000 लोगों के पुनर्वास का कार्यक्रम चल पाया, अन्य दूसरे लोग इस श्रेणी में नहीं आते, ये राज्य सरकार की जानकारी थी। तो 31 मार्च 2010 को सारे प्रांतों की सरकारों ने ये कहा, अब किसी के पुनर्वास की आवश्यकता नहीं। अर्जुन मेघवाल जी कहते हैं कई कई आंकड़े 13 लाख तक के भी बताए जाते हैं। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में इस संदर्भ में चर्चा हुई, यूपीए चेयरपर्सन माननीय सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। गरिमा करके एक एनजीओ है जो मैला ढोने वाले व्यक्तियों के सुरक्षा के लिए काम करता है। सफाई कर्मचारी आंदोलन करके एक दूसरा संगठन है जो इन वर्गों के हितों के लिए काम करता है। उन्होंने भी हमें जानकारी दी, सूची दी कि ये राज्यों में, ये जिलों में ये व्यक्ति है, उसकी ये तस्वीर है जो आज भी मैला ढोने का काम करता। हमने 24 घंटे के भीतर प्रदेश की सरकारों को ये जानकारी भेजी कि ये हमारे पास आज जानकारी उपलब्ध है, कृपया इसकी तहकीकात करिए और वास्तविकता क्या है वो हमारे पास भेजिए। सर्वे की बात अर्जुन मेघवाल जी ने कही, नया सर्वे ऐसी स्थिति में जहां प्रदेश की कोई सरकार ये नहीं मानती कि आज भी पुनर्वास की आवश्यकता है, हमने फिर एक सर्वे करने का फैसला किया और कुछ दिनों में वो सर्वे शुरू होगा। लोकल बॉडीज इसमें शामिल करी जाएगी और जहां जहां पर लोक प्रतिनिधियों को इसमें शामिल होना है, एनजीओ को शामिल होना है, उनको भी शामिल किया जाएगा ताकि ऐसा सर्वे आए कि हमारे सामने वास्तविकता रहे कि कितने लोग आज भी हैं जिनके पुनर्वास की आवश्यकता है। मैं यहां पर हमारे दूसरे साथी शैलेंद्र कुमार जी की भी ये जो बात उन्होंने कही कि सीवर में काम करते वक्त, गटर में काम करते वक्त इन कर्मचारियों को शराब पिलाई जाती है, क्योंकि बगैर शराब पिए कोई ऐसे गंदे काम करने के लिए खुद को नहीं डाल सकता। ये ऐसी काम की परिस्थितियां, उससे शारीरिक तौर पर स्वास्थ्य के संदर्भ में होने वाली परेशानियां, उनकी आयु घटते जाने की स्थिति, ये सारी की सारी परिस्थितियां बड़ी चिंताजनक है और हम इन सभी बातों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। आवश्यकता है कि जिसकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। अगर लोकल बॉडीज के अधीन ये कर्मचारी है तो लोकल बॉडीज को उनकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए कदम उठाना होगा। जहां राज्य सरकार के अधीन है वहां राज्य सरकार को करना होगा, जहां केंद्र सरकार के अधीन है वहां केंद्र सरकार को करना होगा। मैंने शुरू के अपने वक्तव्य में बात कही थी कि एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट कुछ 6 प्रांतों में उसे इन कर्मचारियों के लिए लागू करने का काम हुआ, अन्य दूसरे प्रांतों ने नहीं किया। मैंने अनुरोध किया है मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, लेबर मिनिस्टर से, क्योंकि ये कानून उनके दायरे में आता है। मैंने उनसे अनुरोध किया कि सिर्फ 6 प्रांत में क्यों नहीं दूसरे अन्य प्रांतों में भी इस कानून को लागू किया जाता है। दूसरे प्रांतों में भी अगर लागू किया जाएगा तो जो स्टैट्यूटरी बेनिफिट एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट के तहत प्राप्त होते हैं अन्य दूसरे कर्मचारियों को, इन कर्मचारियों के लिए भी वो प्राप्त होंगे और वो हमें करना होगा, प्रदेश की सरकारों को बताना है।
स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में कहा गया कि सिर्फ बीपीएल परिवारों में जो आते हैं, जो श्रेणी में आते हैं, उनको ही इस बीमा योजना का लाभ प्राप्त होता है, अन्य दूसरों को नहीं होता। ये भी एक प्रस्ताव मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास आज है कि सभी सफाई कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत तो जोड़ा जाए। उस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ, लेकिन जो प्रस्ताव इन्होंने तैयार किया है इनके मंत्रालय में, उसकी जानकारी मुझे भी है। वो सुझाव आज की चर्चा में आया है, उस पर भी ध्यान देंगे, लेकिन जो आज हो रहा है मैं समझता हूं कि उसके बारे में मैं अपनी बात आपके सामने यहां पर रखूं। हम ये मानते हैं, सामाजिक न्याय की यहां पर बात हुई, हम मानते हैं कि बुनियादी मानवीय अधिकारों की जहां पर रक्षा होती है, वैसी स्थिति में हम कह पाएंगे कि हम सामाजिक न्याय करते हैं। जीवित रहने का अधिकार, सम्मान से जीवित रहने का अधिकार, अगर हम उसकी रक्षा कर पाएंगे तो हम कह पाएंगे कि हम सामाजिक न्याय करते हैं। लेकिन समाज का एक वर्ग अगर सम्मान से नहीं जी पाता, उसको ये अधिकार हम मूर्त रूप से नहीं दे पाते, तो फिर उसके प्रति हम सामाजिक न्याय नहीं करते। संविधान में ये अधिकार है, लेकिन वास्तविकता में अगर वो अधिकार प्राप्त नहीं होता तो हमें ध्यान देना होगा। यहाँ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 के कानून की बात हुई, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 की बात हुई। ऐसा क्यों होता है कि आज के हिंदुस्तान में भी 35-40 हजार घटनाएं इन कानूनों के तहत हर साल दर्ज होती है? ये ऐसी सामाजिक परिस्थितियों को भी बदलने का काम अगर लोक प्रतिनिधि जो इस सदन में आते हैं, अगर तमाम लोग अगर इस काम में लग जाएंगे, सिर्फ ये सरकारी कार्यक्रम करके नहीं रह सकता, तो इसके लिए समाज को और अधिक संवेदनशील बनाने की दृष्टि से काम करने की आवश्यकता होगी। कई सारे सुझाव यहाँ पर चर्चा में आए हैं, उन तमाम बातों में जाना संभव नहीं होगा, लेकिन सैनिटेशन के संदर्भ में जहां पर ग्रामीण विकास मंत्रालय में टोटल सैनिटेशन स्कीम चली है, अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत जो लो कॉस्ट सैनिटेशन प्रोग्राम चला है, उसका भी असर ये प्रथा समाप्त करने की दृष्टि से निश्चित तौर पे होगा। रेलवे के संदर्भ में यहां पर उल्लेख किया गया है, रेलवे से भी हम लगातार इस विषय में बात कर रहे हैं, और जो सर्वे किया जाएगा मैनुअल स्कैवेंजिंग के संदर्भ में, उसमें रेलवे में भी अगर ये कहीं पर होता है तो उसका भी सर्वे इसमें अंतर्भूत किया गया है। मैं और अधिक इस मौके पर नहीं बोलूंगा, लेकिन जितने भी सुझाव दिए हैं, कहीं वो लेबर मिनिस्ट्री से संबंधित हो तो हम उनसे बात करेंगे, कहीं अर्बन डेवलपमेंट या हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन से संबंधित है तो उससे बात करेंगे, और कहीं प्रदेश की सरकारों से है तो उनसे बात करेंगे। मैं फिर एक बार श्री अर्जुन राम मेघवाल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत पीड़ा से, बड़े जिम्मेदारी से आपने यहां पर इस विषय पर यहां पर आपने चर्चा यहां पर कराई है। मैं समझता हूं कि इसका लाभ निश्चित तौर पर हमें होगा। धन्यवाद। मैं समझती हूं जिस तल्लीनता से और जिस संवेदना से सदन में सभी सदस्यों ने इस चर्चा को सुना है और जिस प्रकार से ये चर्चा की गई है, उससे ठीक है, आप नोटिस दीजिए, और जिस तरह से समाज का जो सबसे दलित व्यक्ति है, दबा हुआ, उसकी पीड़ा को यहाँ उजागर किया गया है, उससे मैं समझती हूँ इस सदन का वैभव और बढ़ गया है। Inform the house that there will be no lunch break today. Now.